चलिए एक्ट फोर स्टार्ट करते हैं। एक्ट फोर का सेक्शन वन। सेक्शन वन में लिखा हुआ है, रानी तुरंत जाकर राजा को इस घटना की सूचना देती है। वह कहती है कि हैमलेट समुद्र और आंधी की तरह पागल है और वो उसी पागलपन के कारण उसने अपनी तलवार से पोलोनिस को मार डाला है। राजा पोलोनिस की मृत्यु का समाचार से अत्यंत भयभीत हो चुका है। यदि पोलोनिस के स्थान पर वह स्वयं होता तो वह भी मारा जाता, ऐसा सोचने लगता है। अब सीन टू में रोजेनक्रेस और गिल्डेनवर्स्टन। सो गिल्डेनवर्स्टन और रोजेनक्रेस ये दोनों हैमलेट के दोस्त हैं और राजा इनकी सहायता लेता है जासूसी करने के लिए। हैमलेट से यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसने पोलोनियस का शव कहां छुपा रखा है, लेकिन उन्हें इसमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। उन्हें विवश होकर हैमलेट के घृणापूर्वक व्यंग सुनने पड़ते हैं। वह कहता है कि जब राजा का काम निकल जाएगा तो तुम दोनों को धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। अंततः उन्हें यह सुझाव देता है कि उसे राजा के पास ले जाया जाए और राजा का साथ देना बंद करे। सीन थ्री। अब हैमलेट राजा के सामने आया। राजा तुरंत उससे पूछता है कि पोलोनियस का शव कहां है। शव के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया, पागलपन का नाटक जारी रखते हुए हैमलेट व्यंग पूर्वक उत्तर देता है, पोलोनियस, पोलोनियस कहां है। यह पूछने पर वह कहता है कि पोलोनियस शायद स्वर्ग में होगा। राजा किसी को वो भेजकर वहां ढूंढवा ले। अगर स्वर्ग में नहीं तो राजा स्वयं नरक में जाके उसे ढूंढ ले, और यदि हां वहां ना मिले तो शायद सीढ़ी के नीचे होगा। यह उस स्थान का संकेत था जहां उसने शव को छिपाया था। सीन फोर। हैमलेट इंग्लैंड के लिए जहाज पर सवार होने को निकल पड़ता है, क्योंकि राजा ने हैमलेट को इंग्लैंड भेजा है और राजा चाहता है कि इंग्लैंड पहुंचते ही हैमलेट को मार डाला जाए। लेकिन रास्ते में एक महत्वपूर्ण घटना से उसका सामना होता है। नॉर्वे का राजकुमार 14 रॉस और उसकी सेना पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए आ रही है और उसने डेनमार्क होकर ही जाने की अनुमति ली है। हैमलेट उसके साथ ही जाता है। युद्ध का कारण पूछने पर उसे पता चलता है कि वह केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न है, केवल भूमि पर अधिकार करने की बात नहीं है। हैमलेट को फोर्टिब्रास का यह कार्य अपने ही समान प्रतीत होता है, क्योंकि उसे भी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। सीन फाइव। पोलोनियस की मृत्यु से उसकी पुत्री ओफेलिया मानसिक संतुलन खो बैठी है। उधर लेटिस क्लॉडियस के विरुद्ध विरोध करने को उत्तेजित है। देश के क्षितिज पर विनाश का बादल मंडरा रहा है। रानी अपराध भाव से ग्रसित हो चुकी है। इस दृश्य से ओफेलिया बहुत दुखी है। रानी के कक्ष में बहुत ही उदास बैठी हुई है और शोक गीत गा रही है।
उसी समय लेटिस महल में घुसता है और पिता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से राजा का सामना करता है। राजा, उसके समर्थक सब उसे त्याग चुके हैं। रानी अत्यंत भयभीत है, लेकिन राजा लेटिस की चापलूसी करने लगता है और उसे कसम खाकर विश्वास दिलाता है कि उसे उसके पिता की मृत्यु संबंधी समस्त तथ्य उसके मित्र के सामने रखेगा। सीन सिक्स। कुछ नाविक होरोशियो के पास आकर उसे हैमलेट का पत्र देते हैं। पत्र में राजकुमार ने सूचित किया है कि जिस जहाज में वो इंग्लैंड जा रहा था उस पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और उसको बंदी बना लिया गया है, लेकिन उसके जो दो मित्र थे रोजनक्रेज और गिल्डनस्टन इंग्लैंड जा चुके हैं। बाद में लुटेरों ने हैमलेट को मुक्त कर दिया और वह डेनमार्क लौट आया है। हैमलेट ने पत्र में आगे ये प्रार्थना की थी कि इन नाविकों को राजा के पास पहुंचा दे, जिससे कि ये पत्र राजा तक पहुंच जाए और राजा इसके बारे में सूचना को आगे क्रियान्वित कर सके। सीन सेवन। राजा और लेटिस गुप्त बात कर रहे हैं कि पोलोनियस की मृत्यु से जो महान अन्याय हुआ है उसका बदला कैसे लिया जाए। उसी बीच एक संदेशवाहक हैमलेट का पत्र फिर लाता है। यह जानकारी भरी अचरज में पड़ जाने पर हैमलेट डेनमार्क लौट आया है, उसे मरवाने की योजना फिर बनाई जाती है। तब वही योजना बनाता है कि लेटिस को बताया जाता है कि तलवारबाजी का मैच की व्यवस्था की गई है, जिसमें लेटिस को गुप्त रूप से तेज धार वाली तलवार दी जाएगी। लेकिन लेटिस कहता है कि वह अपनी तलवार की नोक पर घातक विष लगाएगा और हैमलेट की मौत हो जाएगी। राजा खुश होकर एक और बात बताता है कि हैमलेट बच भी गया तो वह हैमलेट के लिए जहर का प्याला तैयार रखेगा। एक्ट फाइव, सीन वन। यह कब्रिस्तान का दृश्य था। एक कब्र खोदने वाला अपने सहायक के साथ कब्र खोद रहा है। संयोगवश हैमलेट और होरोशियो वहां पहुंच जाते हैं। कब्र खोदने वाले की बातचीत से मालूम होता है कि किसी ने आत्महत्या की है और वह कोई लड़की थी। कुछ ही देर के बाद वहां राजा रानी और लेटिस तथा प्रमुख दरबारी पहुंच जाते हैं। अब हैमलेट को पता चलता है कि मरने वाली लड़की ओफीलिया है। उसे बहुत गहरा आघात लगता है। लेटिस ओफीलिया की मौत के लिए हैमलेट को जिम्मेदार ठहराते हुए कब्र में कूद पड़ता है और बहन के साथ जिंदा दफनाए जाने की आग्रह करता है। हैमलेट भी, जो अब तक मौन था, भावावेश कब्र में कूद जाता है और कहता है, लेटिस जैसे 40,000 भाई भी ओफेलिया से उतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना कि वह करता था। कब्र में दोनों में ही हाथापाई होने लगती है। राजा और रानी बीच बचाव करते हैं। सीन टू।
या इस ट्रेजेडी का अंतिम दृश्य है। ओस्ट्रिक नामक एक युवा दरबारी आकर हैमलेट को सूचना देता है कि राजा ने उसके और लेटिस के बीच तलवारबाजी का आयोजन रखा है। मैच के अखाड़े में राजा रानी तथा समस्त दरबारी एकत्रित हो जाते हैं। राजा ने योजना के अनुसार लेटिस को पहले ही जहर लगी हुई तलवार दे दी है। हैमलेट के लिए जहरीला शराब का प्याला तैयार है। तलवार मैच शुरू होता है। पहले हैमलेट पोलोनियस के कत्ल के लिए लेटिस से क्षमा मांगता है और दोनों में युद्ध चालू हो जाता है। हैमलेट लेटिस को पहले 3 बार वार करके घायल कर रहा कर देता है। इस बात पर खुश होकर रानी जहरीली शराब का वह प्याला पी लेती है जो राजा ने हैमलेट के लिए रखा हुआ था। इसी बीच लेटिस अपनी मेट के शरीर को फिर से खरोच देता है। लड़ते लड़ते दोनों की तलवार उनके हाथों से छूट जाती है और फिर आपस में वह तलवार बदल जाती है। अब लेटा है वह उससे बार करके लेटिस को घायल कर चुका है। रानी यह कहते हुए मर जाती है कि उसे जहर दे दिया गया है। लेटिस हैमलेट को राजा का षड्यंत्र का भेद खोल देता है और वह भी मर जाता है। हैमलेट का भी अंत निकट है। वह उसी जहर लगी तलवार से राजा के ऊपर वार करता है और फिर प्याले में बची हुई जहरीली शराब उसके मुंह में उड़ेल देता है। राजा की तुरंत मृत्यु हो जाती है। हैमलेट भी हिरोशियो को अपना अंतिम संदेश देकर मर जाता है। हैमलेट की अंतिम इच्छा के अनुसार 14 ब्रास को डेनमार्क का राजा बना दिया जाता है। हिरोशियो अपने देशवासियों को संपूर्ण स्थिति से परिचित कराने का दायित्व स्वयं बहन करता है कि वह हैमलेट की सच्चाई के बारे में पूरे देश को बताएगा। थैंक यू सो मच। आपको कहानी अच्छा लगा होगा। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।